नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध अभी थमने का नाम नहीं लिया कि इसी बीच मोदी सरकार ने अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को मंजूरी दे दी। ये अगले साल से भारत में लागू हो जाएगा। NPR के तहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक देश भर में घर घर जाकर लोगों का डेटाबेस तैयार होगा। इसमें देश के हर नागरिक की जानकारी दर्ज होगी जो सरकार के पास रहेगी। अब आइए जानते हैं कि NPR और NRC में क्या अंतर है। NPR और NRC यानी नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स में काफी अंतर है। NPR का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। NPR देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है। NPR में ऐसे लोगों का रिकॉर्ड होगा जो किसी इलाके में 6 महीने से रह रहे हैं। बाहरी व्यक्ति भी अगर देश के किसी हिस्से में 6 महीने से रह रहा है तो उसे भी NPR में अपना नाम दर्ज कराना होगा। NPR में असम को छोड़कर देश के अन्य सभी शहरों के लोगों की जानकारी रखी जाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश का सामान्य निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता हो या अगले 6 महीनों के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता हो। NRP स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर किया जा रहा है। इसमें सभी जाति और धर्मों के लोगों की जानकारी एक साथ रखी जाएगी। अब हम बात करते हैं NRC की। NRC अब तक असम से बाहर किसी अन्य राज्य में लागू नहीं किया गया है। NRC में केवल उन भारतीयों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। NRC का उद्देश्य देश में अवैध नागरिकों की पहचान करना है। बता दें कि मोदी सरकार ने NPR का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून और NRC का जोरदार विरोध किया जा रहा है। खैर, अब जो हो सो हो, NPR को लेकर सरकार सख्त है। यह सरकार को बेहतर नीतियां बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में काफी मदद करेगा और इसी को लेकर मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। कुल मिलाकर NRC और NPR दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। NPR में देशवासियों का डेटाबेस होना जरूरी है। टीम खबर अपडेट।